अभी आप तिरुची बस स्टैंड पे हैं और यहाँ इसके नज़दीक हम कहाँ रुक सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको होटल के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है और पूरा वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ से आराम से होटल पहुँच सकते हैं। आप ये लोकेशन देख लीजिए, ये बस स्टैंड का व्यू है और ये आप चारों तरफ देखेंगे, ये होटल का व्यू। यहाँ से हमें इधर चलना है तब मिलेगा। ये देखिए, ये सर्किल है और ये इधर ब्रिज से गाड़ी आ रही है, आप देखेंगे तो। और इधर ये बस स्टैंड है, ये आप देखें, ये सामने पूरा बस स्टैंड का इलाका है और हमें इधर चलना है रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखिए, ये सामने का जो ये है, ये रोड रेलवे स्टेशन को जाता है, हमें इधर चलना है। आप मेरे को फॉलो करें, आराम से आप होटल पहुंच सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे आप देखेंगे, इधर से हम चल के आए हैं और इधर हमें रेलवे स्टेशन की तरफ चलना है। रेलवे स्टेशन यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर पे ही है, हमें इसी में आगे थोड़ा सा आगे चलना है। आइए, ये देखिए, आप इधर से चल के आए हैं तो मुश्किल से 50 मीटर भी आपको नहीं चलना है तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं। और इधर देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन की तरफ से जो रास्ता आ रहा है और जो जा रहा है वो रास्ता है। और ये सामने यहाँ पर बसें क्रॉस हो रही हैं, ये देखिए आप, ये बस स्टैंड की तरफ और आगे जो बसें जा रही हैं। और हमारा ये होटल है, आप ये देखें, होटल अशोक भवन डीलक्स टूरिस्ट लॉज, हमें इसमें चलना है। आइए मैं आपको इससे बात भी करवाता हूँ और मेरा रूम भी दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो कि कैसे रूम यहाँ पर हैं। आइए अंदर चलते हैं। और अभी हम होटल के अंदर आ गए हैं तो होटल की बात करें तो होटल काफ़ी बड़ा है, आप देखें तो। ये देखिए, डबल मंजिल का और दोनों तरफ, बल्कि चारों तरफ ये ऊपर और नीचे, ये पूरा बड़ा होटल। और यहाँ के जो स्टाफ है, हिंदी नहीं आने की वजह से और कुछ कैमरे पे शर्माते हैं तो नहीं आ पा रहे हैं, तो बात करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और मेरा रूम भी दिखा देता हूँ। तो काफ़ी बड़ा होटल और यहाँ पर यदि आप सिंगल आते हैं तो आपको एक रूम जो है वो अटैच बाथरूम के साथ 500 रुपये का मिलता है, जैसे मुझे मिला हुआ है। और यदि आप बाथरूम शेयरिंग में लेते हैं, रूम आपका सेपरेट बाथरूम शेयरिंग में, तो आपको 450 का मिल सकता है, प्लस टैक्स होता है। तो ये यहाँ का रेंट है और काफ़ी बड़ा होटल है, साफ सुथरा भी है और अच्छा होटल मेरे को लगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुका। तो आइए मैं आपको मेरा रूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा 30 नंबर रूम है। कभी भी आप मेरा रूम देखेंगे तो मेरा सामान इधर उधर रखा होता है। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये, इसको आपको चार्जिंग के लिए, और ये फैन, और ऊपर वेंटिलेटर के लिए, नीचे खिड़की है देखिए, और ये यहाँ का दरवाज़ा, और पानी की बोतल आपको देते हैं जो आरओ की नहीं है। और ये बेड है, कुर्सी है, टेबल है जिसमें मेरा बैग रखा है, एक छोटा सा शीशा लगा है, और ये अटैच बाथरूम, और ये आपके कपड़े वगैरह लगाने के लिए हैंगर, और ये अटैच बाथरूम है यहाँ का, ये आप देखिए अटैच बाथरूम। और इस तरह से ये पूरा रूम। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा आप अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।